झंगोरा की खीर। झंगोरा की खीर कश्मीर व पहाड़ी उत्तराखंड गढ़वाली लोकप्रिय खीर है। इसे हिंदी में सावा भी कहते हैं और हम अक्सर व्रत के दौरान बनाते हैं। इसको इंग्लिश में बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। यह खीर जो झंगोरा है ये बहुत कैलोरी वाला और कार्बोहाइड्रेट वाला तत्व है। यह वास्तव में केवल चीनी, दूध, किशमिश, बादाम और झंगोरा से बनती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं 50 ग्राम झंगोरा एक बाउल में लूंगा। और इसमें पानी डालकर भिगोने के लिए रख दूंगा। इसको हमने करीब 30 मिनट भिगोना, आधा घंटा हो गया भीगे हुए इसको। अब मैं इसका पानी निकाल देता हूँ। पूरे का पानी मैंने ड्रेन ऑफ कर लिया है और इसके लिए मैंने अब खीर के लिए सबसे पहले आधा किलो दूध, स्वाद अनुसार चीनी, बादाम, ग्रेट किए हुए किशमिश, ग्रेट कीवी, हरी इलायची का पाउडर और खरबूजे की क्रीम। ये मैंने आधा किलो दूध पैन में कर लिया है और इसको पहला उबाल आने देता हूँ। दूध में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें झंगोरा मिला देता हूँ। इसको ऐसे हिलाकर और फ्लेम को एकदम धीमा कर दूंगा, एकदम लो कर देनी है और इसको बहुत धीरे धीरे कुक होने देना है। झंगोरा की खीर की खासियत ये है, जब ये बन जाती है तो बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है और ये खाने में बहुत स्वाद होती है। ये जो झंगोरा है जो दिख रहे हैं अभी छोटे छोटे दाने, ये फूल जाते हैं उबलने के बाद। इसको ऐसे धीरे धीरे हिलाते रहेंगे आप और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। और ये पक गई है, ये देखिए गाढ़ी होने लग गई है। अब इस टाइम आ गया है इसमें हम इसके इंग्रेडिएंट्स मिलाएं। सबसे पहले हम एक चम्मच हरी इलायची का पाउडर मिलाया, एक चम्मच खरबूजे की गिरी और एक चम्मच ग्रेटेड आलमंड्स बादाम और एक चम्मच ग्रेटेड हरी किशमिश रेजिंस। अब मैं इसको पका लेता हूँ। इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, जब पक जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं इसमें चीनी मिलाऊंगा। चीनी सबसे आखिर में मिलाते हैं जब हमारा ये झंगारू पक जाएगा। बहुत थिक कंसिस्टेंसी बनती है इसकी खीर की। बर्फ में खाई जाने वाली बहुत फेमस खीर है, गढ़वाल में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, कश्मीर में लोकप्रिय है और ये झंगारू जो है यहीं पैदा होता है उत्तराखंड में। और इसको व्रत की खीर भी कहा जाता है। खीर तैयार हो गई है, देखिए कितनी थिक कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी और ये फूल के डबल हो गई है। अब मैं इसमें चीनी मिलाता हूँ स्वाद अनुसार। ये मैंने 3 चम्मच इसमें चीनी मिलाई और इसके जब पानी ख़त्म हो जाएगा चीनी का पिघल कर तब ये तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई है, अब मैं इसको सर्व करता हूँ।
मैं अब गाने सुनाता हूँ रिलेटेड बादाम से। ये हमारी हाई कैलोरी झिंगारू की खीर तैयार हो गई।